नमस्कार, स्वागत आपका स्पॉटलाइट में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे देश में राजनीति की दो तस्वीरें हैं। भाजपा की अकेले दम पर सरकार बनाने वाले बीएस येदियुरप्पा जो आलाकमान के एक इशारे पर सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं, याद ही होगा आपको कर्नाटक और अभी जो तस्वीरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसमें हारे नेता भी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। अंतर क्या है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस पहले ही अपनी सत्ता गंवा चुकी है और अब जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पंजाब और राजस्थान के सियासी घमासान के बीच कांग्रेस को अब छत्तीसगढ़ में सियासी संकट का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में ही पार्टी के विधायक ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि सीएम को फैसला आलाकमान करेंगे, यानी जो सीएम अगला बनाएंगे वो आलाकमान बनाएंगे, इसलिए टीएस बाबा उनसे नाराज हो गए और उन्हें जान से मारने के लिए उनके काफिले पर हमला करवा दिया। इतने बड़े आरोप के बाद भी टीएस नहीं बिफरे, वो बहुत शालीनता से कहते हैं दबाव में विधायक ने बयान दिया होगा। तो सवाल ये कि टीएस सिंहदेव क्योंकि नेक्स्ट सीएम है इसलिए उन्हें खुलेआम निशाने पर लिया जा रहा है, आखिर क्यों विधायक ने इतना बड़ा बयान दिया, इतना बड़ा आरोप लगाया, उसके बाद और उन्हीं के साथ खड़े हुए भी दिखाई देते हैं, उनकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिनके साथ वो थोड़ी देर पहले जिन पर आरोप लगा रहे थे कि मुझे इनसे जान का खतरा है। तो स्पॉटलाइट में आज क्या पंजाब और राजस्थान के साथ शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में घमासान, देखिए रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। राजनीति की दो तस्वीरें, काडर बेस और लीडर बेस, पार्टी का अंतर। बीजेपी में इकलौते विधायक से लेकर भाजपा के अकेले दम पर सरकार बनाने वाले बीएस येदियुरप्पा आलाकमान के एक इशारे पर सीएम पद से इस्तीफा दे देते हैं। कांग्रेस में हारे नेता भी पद छोड़ने को तैयार नहीं होते। कांग्रेस के कुछ ही शेष बचे गढ़ों में से एक छत्तीसगढ़ में भी सत्ता का संघर्ष सड़क पर दिखने लगा है। ये संभवतः पहला राज्य है जहाँ पार्टी का विधायक अपनी ही पार्टी के मंत्री पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के खेल के पीछे असली वजह है कुर्सी। 15 साल पुरानी रमन सिंह सरकार की विदाई हुई तो कुर्सी भूपेश बघेल के हिस्से आई। टीएस सिंहदेव के हिस्से में आया आश्वासन कि 2.5 साल बाद सीएम बना दिया जाएगा। बघेल कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है और सिंहदेव इंतजार नहीं करना चाहते। बघेल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन सिंहदेव के पास न तो सिद्धू जैसा ग्लैमर है और न सचिन जैसी मास अपील, लिहाजा यहां लड़ाई नए तरीके से लड़ी जा रही है। सेनापति अपने खेमों में बैठे हैं और प्यादों के माध्यम से गढ़ हथियाने और बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन आगाज बता रहा है कि जो भी होगा वो हाथ यानी कांग्रेस के लिए तो ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस 90 विधानसभा सीटों में से 70 पर काबिज है। पूरे देश में अगर कहीं कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है तो वो है छत्तीसगढ़। लेकिन अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी घमासान दिखने लगा है। कांग्रेस के लिए अब छत्तीसगढ़ में सियासी संकट मंडरा रहा है। राजनीति में राजनेता अगर किसी खास का विरोध करे और दूसरे ही पल किसी खास के साथ दिखाई दे तो ये बात आम तो नहीं हो सकती, और वो भी तब जब छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर आए दिन सियासत देखने को मिलती है। अनादि टीवी के कार्यक्रम स्पॉटलाइट में ही हमने इस बात पर चर्चा की थी कि सिंहदेव के तेवर बदले हुए हैं और वो सरकार के जवाबों से अलग सोच रखते हैं। और हाल ही में ताजा मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया, उसने इन तमाम कयासों पर मुहर लगा दी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेता और सामरी विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उनकी हत्या कराना चाहते हैं। बृहस्पति ने कहा कि आदिवासी विधायकों पर हमला कर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर 4-5 विधायकों की हत्या कराकर वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं तो उन्हें मुबारकबाद। विधायकों के ऊपर हमला कराना, अपमानित करना और जानलेवा हमला करना बहुत चिंतनीय बात है, और ऐसी सामंत साई छोड़ के अगर वे लोकतंत्र में है, जनतंत्र है, सारे लोगों को लेकर चलेंगे तो उनकी कद बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से ये अगर उनको इस बात का घमंड है कि 2-4-5 विधायकों की हत्या करा देंगे तो हम सीएम बन जाएंगे तो उनको ये मुबारक हो,
हम लोग कोशिश करेंगे जान बचाने का। राजा है, मरवाई देगा तो क्या करूंगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो जिंदा रहेंगे। और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ या तो सोनिया जी, राहुल जी से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, ऐसे आतंकवाद, दहशत और गुर्दागर्दी और आतंक फैलाने वाले मंत्रियों को कान पकड़ के सरकार से बाहर कर देना चाहिए ताकि कांग्रेस की छवि बना रहे। चले इस घमासान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर विधायक दल की बैठक थी। यहां प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच में पीएल पुनिया बैठे थे। कुछ देर बाद आरोप लगाने वाले बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव की तस्वीरें सामने आई। स्वास्थ्य मंत्री बाहर निकले और बोले, विधायक दबाव में, भावना में ऐसा बोल गए हैं। पार्टी फोरम की बातचीत है, इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर उन्होंने कहा, नो कमेंट। हो सकता है भावना में कभी कोई बात हो, उसमें बात नहीं आती। अभी तो मिले, हम लोग साथ में मिले, साथ में बात करना, साथ में भोजन भी लेना, तो कहीं कोई बात मन में आ भी जाए अगर तात्कालिक, तो बातचीत करके सारी चीज निराकृत भी हो जाए। उस क्षेत्र में और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि शायद मैं खुद जितना अपने आप को नहीं जानता, मेरे से उससे ज्यादा लोग जानते हैं मेरे बारे में, तो उसके आगे कुछ बहुत कुछ कहने को नहीं। एक दबाव की स्थिति में, भावना में कहीं कभी कोई बात आती है, बैठ के जब बात होती है तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तभी से ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री बने रहने के फॉर्मूले की चर्चा हो रही है। 17 जून 2021 को भूपेश बघेल के ढाई साल पूरे भी हो चुके हैं। इसके बाद से ही प्रदेश में नेतृत्व बदलने की चर्चा शुरू हुई है। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने कभी खुलकर इस पर कोई बात नहीं की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने जरूर कई बार ये बात कही कि ढाई ढाई साल कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे में कई सवाल हैं जो छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब में हुए घटनाक्रम की ओर इशारा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए स्पॉटलाइट हम किन सवालों पर करने वाले हैं, यानी स्पॉटलाइट किन मुद्दों पर होगी, क्या है वो सवाल। तो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ की बारी आ गई है? क्योंकि जो सियासी उठापटक चल रही है अलग अलग राज्यों में, उससे तो यही लग रहा है क्या छत्तीसगढ़ में बज गया है विद्रोह का बिगुल, क्योंकि जिस तरह से बृहस्पति ने आरोप लगाया लगता तो ऐसा ही है। टीएस का इतना अपमान, फिर भी टीएस चुप क्यों है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर चुप है तो इस चुप्पी के पीछे वजह क्या है? क्या वाकई आश्वासन मिल गया है, आलाकमान ने कह दिया है, या फिर कोई और बात है? और जो ये हमला हुआ, इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ जो आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, और कुछ ही देर में हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ चिमनानी जी आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमित चिमनानी जी, पहले तो मैं अपने दर्शकों को और आपको भी बता दूं, क्योंकि ये कार्यक्रम, ये जो मुद्दा है, ये कांग्रेस के ऊपर ही है। पूरी सियासी उठापटक जो कांग्रेस खेमे में चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसके ऊपर है। लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि कांग्रेस से हमारे साथ कोई प्रवक्ता जुड़ जाए, कोई साथी ऐसे जुड़ जाए जो कांग्रेस का पक्ष रख सकें, लेकिन हमारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें बहुत अंदर से ये खबर मिली कि शायद उन्हें मना कर दिया गया है कि इस बारे में कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता कुछ भी नहीं बोलेगा। तो अब जब बोलेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन क्या कहना चाह रहा था, बृहस्पति जी की बातों में कितनी सच्चाई थी। खैर, तो ये तो क्लियर हो गया कि कार्यक्रम में हमने बहुत कोशिश की कि इस मामले को उठाएं और कांग्रेस से ही बात करें, लेकिन कांग्रेस से कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जो हुआ वो सबने देखा। खैर, चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रफुल्ल पारे जी भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ प्रफुल्ल पारे जी। अमित चिमनानी जी, आपके पास आ रही हूँ, कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ में जो सियासी उठापटक चल रही है, और उसमें टीएस सिंहदेव साहब, आप लोग तो बहुत भली भांति उनको जानते हैं, क्या आखिर उन्होंने ऐसा किया होगा
ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके किसी रिश्तेदार ने हमला करवाया बृहस्पति सिंह पर और बाद में वो सभी पलट जाते हैं या फिर यूं कहें कि तस्वीर ही बदल जाती है, सब शांत सब खुश गले मिल रहे हैं या फिर फोटो खिंचवा रहे हैं। चिमनानी जी आप सवाल सुन पाए मेरा? जी चिमनानी जी कहिए कुछ बोलिए, आपका ऑडियो चेक हो जाएगा मेरे पास। जी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी चिमनानी जी मुझे बताएं, आप भली भांति जानते हैं छत्तीसगढ़ को भी और टीएस सिंहदेव साहब को भी आप लोग तो करीब से जानते हैं, और ऐसी स्थिति में जब हमें ये पता चल रहा है कि टीएस सिंहदेव साहब भी क्या किसी विधायक पर हमला करवा सकते हैं और इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, उसके बाद जो तस्वीर निकल कर आती है ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं था। अगर कांग्रेस इस बात को कह रही है और पुनिया जी कह रहे हैं कि विषय समाप्त हो गया है तो ये इतनी जल्दी समाप्त होगा नहीं, क्योंकि एक बार शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल गए छूट गए जुबान से तो बाद में भी याद रखे जाते हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पंजाब और राजस्थान में भी कांग्रेस में झगड़े हुए लेकिन छत्तीसगढ़ में तो पराकाष्ठा हो गई। एक सत्ताधारी दल का विधायक अपने ही मंत्री पर जान से मरवाने का आरोप लगा रहा है तो ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित है और इसका सीधा असर जनता भोग रही है। इससे पहले भी पारुल जी कई ऐसे वाक्य हैं जिसे मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, जब बाबा साहब की अनदेखी के बाद के प्रश्न उठ रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्हें बैठकों में नहीं बुलाया जाता था, बहुत सी बातें सार्वजनिक हुई। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ है पारुल जी, उसमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने निकल के आए हैं। पहला प्रश्न यह है कि विधायक जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, आप कहिए, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं लौटती हूँ चिमनानी जी आपके पास, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको और प्रफुल्ल जी को साथ में कनेक्ट कर सके, शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है आप, तो कोशिश कीजिए आप भी थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाए। तो देखिए जो संकट इस वक्त हम देख पा रहे हैं, चिमनानी जी सुन पा रहे हैं आप, मुझे दिखने भी लगे हैं जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। प्रश्न ये है कि जो कह रहे हैं कि 3-4-5 विधायकों को मरवाकर अगर चले हैं तो बाकी 3-4 विधायक कहाँ हैं? के लिए बृहस्पति सिंह भी कह रहे हैं कि और भी 3-4 जुलाई को पर हमला होता है और 25 जुलाई को के साथ 20 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या एक दिन में एक विधायक के साथ मंत्री के खिलाफ 20 विधायकों का एकजुट हो जाना क्या एक इत्तेफाक है? ऐसा होता है क्या? बहुत सारी अस्वाभाविक चीजें हैं पारुल जी जो बहुत से प्रश्न खड़े कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं ये एक बड़ी साजिश तो नहीं। जो खबरें हैं वो ये भी कहती हैं कि पहले ऐसा कोई नहीं था प्लान कि इस तरह से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मीडिया को बताया जाएगा कि ये टीएस सिंहदेव साहब की तरफ से किया जा रहा है। पहले तो शायद आरोपी भी पकड़ा ही आ गए थे, नाम भी पता चल गए थे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति जी पहुंचे राजधानी और उसके बाद ये पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया गया, तो जैसे आपने भी बताया कि प्री प्लान की तरह लग रहा था और अब ये कह सकते हैं कि विद्रोह का बिगुल बज गया छत्तीसगढ़ में। और कितने भागों में विभाजित होकर लड़ेगी ये जनता के मन में प्रश्न आ गया है। अलग अलग गुट दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ बृहस्पति सिंह जी हैं जो 20 विधायकों का समर्थन प्राप्त है उनको, सुरेश बघेल जी का एक अलग गुट नजर आता ही है, केसीजी जी के बीच में 2.5 साल की बात थी तो उनका एक अलग गुट हो गया है, तीन गुट तो यहाँ में सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रश्न भी उठ रहा है कि क्या आप बृहस्पति सिंह जी भी क्या मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? क्या कांग्रेस को जवाब देना होगा जी। ठीक है मैं लौटती हूँ आपके पास, प्रफुल्ल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ अनादि टीवी पर, सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी जी आपकी आवाज आ रही है।
प्रफुल्ल पारेख जी, मैं आपसे ही चाहूंगी कि आप इसका विश्लेषण कीजिए कि आप किस नजरिए से देखते हैं छत्तीसगढ़ की इस वक्त सियासत जो चल रही है। क्या वाकई बृहस्पति सिंह के काफिले पर टीएस सिंहदेव साहब की तरफ से हमला करवाया गया होगा और बाद में जो तस्वीरें आई वो नॉर्मल करने वाली थी कि कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा लगा, क्या आप देख रहे हैं? क्या वाकई ये सोची समझी प्लानिंग के तहत था, बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए सारी चीजें सामने आई हैं? देखिए, इस घटना के के पीछे आपको थोड़ा जाना पड़ेगा, उस समय पर जाना पड़ेगा जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री की जो रेस चल रही थी उसमें तीन तीन चार चार दावेदार थे, उसमें फिर आखिरी में दो दावेदार रह गए, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। तो टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष थे, भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, दोनों ने मिलकर काफी परिश्रम किया था, बहुत मेहनत की थी, उसके बाद इन कांग्रेस को सत्ता मिली तो दावा दोनों का बनता था। लेकिन जब भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया तब से एक चर्चा जो है वो छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस और बीजेपी के, मतलब या यूं कह लीजिए कि जो एक राजनीतिक गलियारे होते हैं उनमें ये चर्चा बहुत आम हो गई थी कि हाईकमान ने ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री की व्यवस्था की है कि ढाई साल ये रहेंगे ढाई साल वो रहेंगे। तो ढाई साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ढाई साल के आते आते ये लड़ाई आप ध्यान से देखिए बहुत तेजी से जो है वो लड़ाई सतह पर आनी शुरू हुई। बिल्कुल। और उसके बाद सोनिया गांधी से मिलने जुलने का, मेल मुलाकात का भी सिलसिला बहुत तेज हो गया, ये भी आपने बीच में देखा होगा। पत्रकार भी भूपेश बघेल से ये सवाल पूछने लगे कि क्या ऐसा कोई फार्मूला है कि ढाई साल बाद आपको हटा दिया जाएगा या टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री होंगे, तो सीधा सीधा जवाब उन्होंने भी कभी नहीं दिया। उन्होंने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री मुझे पार्टी ने बनाया, जिस दिन कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। और टीएस सिंहदेव का भी ये कहना कि जिस दिन मुख्यमंत्री जो होता है वो पार्टी हाईकमान तय करती है, वो ढाई साल के लिए हो या पांच साल के लिए हो। तो इन दोनों की बयानबाजी से ये बात तो बहुत स्पष्ट होती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और इस बीच में दोनों के बीच में जो संबंधों की जो बुरा जो अनबन थी, जो खटपट थी, वो इन ढाई सालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों की बातचीत बंद जैसी स्थिति में ये भी सुनने को मिलता था कि आजकल बात नहीं करते। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी एक कार्यक्रम में भूपेश बघेल को टोक दिया कि पहले तो आप दोनों साथ में चलते थे, अब अलग अलग कारों में चलते हैं। ये घटना भी रायपुर शहर में हुई। तो दोनों के बीच में संबंधों को लेकर के खटास आई है, इस पर कोई दो राय नहीं है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और उसके मूल में केवल ये है कि जो हमको जानकारी मिलती है वो ये है कि टीएस सिंहदेव एक बात कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, इसे जो एक पैटर्न होता है ना मीडिया में, तो कि भाई ये तो हाईकमान का कमिटमेंट है, तो अगर कमिटमेंट है तो उस कमिटमेंट को हाईकमान पूरा करेगा। और वो कमिटमेंट क्या है? सीएम बनने का। तो जब आप ये मानकर चलिए कि सत्ता जब किसी के पास आ जाती है तो फिर उसे हटाना, उस पद पर बैठे किसी व्यक्ति को हटाना किसी संगठन के लिए बहुत आसान काम नहीं होता है। जी। तो इस बीच में दूसरे अन्य राज्यों में भी जो राजेश पायलट और सॉरी सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच जो विवाद बढ़ा, फिर पंजाब में जो कैप्टन देख ले हम कर्नाटक में, हालांकि मैं इसको लेकर सवाल करना चाहूंगी आपको, मैंने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि दो तस्वीरें हैं। मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ कि ये घटनाक्रम कोई एक दिन का नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अब बृहस्पति सिंह का ये आरोप लगाना कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो मुख्यमंत्री पद पर बैठने की जो ख्वाहिश है टीएस सिंहदेव जी की और उस पर बने रहने की जो ख्वाहिश है मौजूदा सीएम की, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत डायरेक्शन में अब इस राज्य की राजनीति जाने लगी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। अब ये जो मुझे ऐसा लगता है वो यही है। ठीक है प्रफुल्ल पारेख जी, एक सवाल और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी, मैं चाहूंगी उसका जवाब आप दें, थोड़ा सा विश्लेषण उस पर भी करें कि क्या, क्योंकि अभी 90 सीटें हैं उसमें से 70 कांग्रेस के पास, लेकिन क्या अभी कोई ऐसी संभावनाएं आपको दिख रही है जो बीजेपी तलाशने की कोशिश कर रही है, या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां हैं बीजेपी की?
देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी पिछले चुनाव में बहुत करारी हार हुई थी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने तरीके से काम करता है, कांग्रेस का संगठन अपने तरीके से काम करता है, और जो मौजूदा विधानसभा का जो परिदृश्य है उसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विद्रोह, अगर विद्रोह होता भी है तो वो एक मुख्यमंत्री बदलने तक सीमित रहेगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सरकार गिर जाएगी या भारतीय जनता पार्टी उसमें कोई संभावना देख लेगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस की छवि जो एक 90 में से 70 सीट जीतकर जो पार्टी सत्ता में आई है, वो अगर इस तरह लड़ाई झगड़ा अगर उनके बीच में होगा पद को लेकर के, तो इसका एक जो स्टेट है वो सफर करेगा, क्योंकि 2.5 साल बाद कांग्रेस को जनता के बीच में जाना है। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बदल देने से, कुछ चेहरा बदल देने से बात खत्म नहीं होती, पार्टी को काम करके दिखाना पड़ेगा, पार्टी को जवाब देना है जनता को, जो लोग उसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी। इसलिए ये चुनौती कांग्रेस के पास है, उसके हर राज्यों में जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, इसलिए हमने कहा कि तीन राज्यों की पिक्चर हमने देखी, एक ट्रेलर दिख रहा है, अब यहाँ कौन सी फिल्म बनने वाली है तो समय के साथ पता चलेगा। खैर, रमन सिंह जी का ट्वीट है, अमित चिमनानी जी लिख रहे हैं, कांग्रेस दल नहीं दलदल है, ना विधायक संभल रहे ना ही छत्तीसगढ़। तो अब जाहिर है क्योंकि संभावनाएं तो कुछ है नहीं कि दूसरे जैसे मध्य प्रदेश में हो वैसा कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी तलाश रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आप लोगों को शायद आरोप प्रत्यारोप या फिर ऐसी कोई संजीवनी जिससे घेरने का मौका मिल जाए। अंदरूनी मामला है उनका, रमन सिंह जी की ट्वीट कर रहे हैं। जब एक सरकार जो पार्टी चला रही है उसके संगठन में ऐसी बातें हो कि एक दूसरे की हत्या करवाने के आरोप लगे, मैं दोहराऊंगा ये आज तक देश में कहीं नहीं हुआ। किसी सरकार के विधायक ने ये कहा कि उनके ही दिग्गज मंत्री जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो उनकी हत्या के साथ 4-5 विधायकों की और हत्या करवाना चाहते, तो इससे निश्चित तौर पर ये बात सामने आ गई है कि अब इनके अंदर की जो लड़ाई है वो अपनी चरम सीमा को लांग गई है। अब इससे पहले छोटे मोटे बयान आते थे, बात नहीं करना, मीटिंग में नहीं बुलाना, 2.5 साल के फॉर्मूले पर गोलमोल जवाब देना, यहां तक भी ठीक था, लेकिन इतनी बड़ी जब बात होती है तो निश्चित तौर पर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि जब संगठन में ही इतनी बड़ी लड़ाइयां हैं, पदों को और अपने वर्चस्व को लेकर के इतनी आपस में जो है वो मन में इतनी खटास आ गई है, तो सरकार के काम पर तो फर्क पड़ेगा पारुल जी। और 2.5 साल में हमने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक है, कोरोना के लिए पहली बैठक हुई थी पारुल जी सर, पहली बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जी को ही नहीं, तो आखिर जिसको स्वास्थ्य को संभालने का जिम्मा है उसको नहीं बुलाओगे आप तो वो कैसे संभालेगा। तो इसीलिए तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे आप लोगों को तलाशने पड़ते हैं ताकि आप सरकार पर आरोप लगा सकें या फिर उन्हें घेर सकें, क्योंकि देखिए देश में कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, केंद्र को घेरने के लिए, केंद्र सरकार को घेरने के लिए, उसमें महंगाई है, पेट्रोल है और गैस रसोई और भी कई चीजें हैं जिनको लेकर केंद्र सरकार को घेरने के अलग अलग राज्यों से प्रयास होते हैं कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं, क्योंकि क्रिएट करेंगे तो आप अपनी गवर्नमेंट के सामने ही खड़े हो जाएंगे, तो जाहिर है आप लोगों को ढूंढने पड़ते होंगे ऐसे मुद्दे, तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले ही है, मिल गया एक और मुद्दा। अरुण जी मैं बहुत कम है, आधा घंटा लगातार मैं सरकार के फेलियर पर बोल सकता हूँ, इन्होंने जितने वादे किए थे हर क्षेत्र में विफल हैं। आज तो प्रदेश कांग्रेस तो सड़क पर उतर सकती है बिजली पेट्रोल को लेकर, डीजल को लेकर, लेकिन आप लोग नहीं उतर सकते, मजबूरी आप लोगों की। छत्तीसगढ़ नहीं नहीं वो ठीक है, केंद्र के विषय पर पे तो केंद्र बात करता है, हम प्रदेश के विषयों पर, छत्तीसगढ़ में जो वादा ये सरकार करके आई थी वो सफल नहीं हुई, और हर जगह लोगों का, जैसे युवा आप देख रहे हैं सड़क पर जूता पॉलिश कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि 24 में से 18 घंटे हम युवाओं के लिए काम करेंगे, क्या ये 18 घंटे काम हो रहा है ये तो विपक्ष पूछेगा। किसान क्यों खाद और बीज के लिए परेशान हो रहे हैं, क्यों उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि आप 10 रुपए की खाद लीजिए, मिट्टी भर के दे रहे हैं खाद में, गोबर का घोटाला चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, प्रदेश अपराधगर बन गया है, यहाँ हर 4 घंटे में एक बलात्कार, हर 6 घंटे में एक हत्या हो जाती है,
कौन सी ऐसी चीज है जो छत्तीसगढ़ में ठीक चल रही है? विकास के सारे कार्य ठप हैं, मनरेगा में जिसमें केंद्र का पूरा सपोर्ट है वो तक ये मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, उसकी रफ्तार धीमी चल रही है। स्कूलों में डेढ़ साल में ये पालकों के साथ और स्कूलों के साथ समन्वय नहीं बिठा पाए, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है पारुल जी जिसमें ये काम कर पाए हो। और उसका हमें कारण आज ये पता चल रहा है कि आपस में ही लड़ाई में इतने ज्यादा ये व्यस्त है कि जनता को तो ये आखिरी प्राथमिकता पे भी नहीं रख रहे हैं और ये अपने वायदे भूल गए हैं, बस इनको अपना पद बचाना है ये इनकी प्राथमिकता है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रफुल्ल पारे सर, जाहिर है कि अब तमाम चीज़ें तो हैं ही, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की स्थिति अगर हम देश में समझने की कोशिश करें तो हर राज्य से ये तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। कई जगहों पर तो सत्ता गंवा चुके हैं, लेकिन जिन राज्यों में सत्ता है भी वहाँ ये तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं। आने वाला भविष्य आप कांग्रेस का देश में कैसे देख रहे हैं? क्या इसी तरह की नोकझोंक, ऐसी तरह की सियासी उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं उन पर चलकर कांग्रेस अपना भविष्य आगे लिख रही है, या फिर आप कुछ और भी संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में भी ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा। देखिए, जो पंजाब में जो हुआ कि नवजोत सिद्धू को पार्टी की कमान दी गई, अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पार्टी के अध्यक्ष होंगे, तो ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से एक शर्त उन्होंने रिपीट की, मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं जी। लेकिन इस बात को तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के हाईकमान ने पंजाब का जो मसला था उसको बहुत चतुराई से उसको निपटा लिया और लगभग पूरी पार्टी को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दिया। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि पंजाब में कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ। कैप्टन भी आए, अमरिंदर भी आए, उन्होंने मंच पे नाम भी लिया। अब आगे चुनाव में क्या होता है ये तो भविष्य जानेगा कि कैप्टन की अमरिंदर की उम्र भी हो गई है, उनके पास अब राजनीति में हासिल करने के लिए बहुत कुछ है नहीं जी। तो निश्चित रूप से कि वो कोई विद्रोह करेंगे ऐसा मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन देखिए, अब छत्तीसगढ़ में भी ठीक ऐसी ही स्थिति है क्योंकि टीएस सिंहदेव भी आयु के हिसाब से उनके लिए बस यही सब कुछ बचा हुआ है, इसके बाद उनके पास भी बहुत कुछ करने को नहीं रहेगा क्योंकि भूपेश बघेल उनकी तुलना में अधिक जवान है, उनके पास ज्यादा एनर्जी है, वो लंबे समय तक चलने वाले नेता है। तो इसके बाद अगर भूपेश बघेल बने रहते हैं तो टीएस सिंहदेव की संभावनाएं आगे चलकर खत्म ही होंगी बने। अब दरअसल क्या है कि हाईकमान ने जो इस तरीके का फार्मूला निकाल करके ये जो एक इस मामले को अगर ढाई साल पहले ही उसी वक्त अगर टैकल कर लिया होता तो आज ये जो वो एक कहावत है ना कि भाई गति सांप छछुंदर केरी, वो कि मतलब वो एक सांप जो है उसके मुंह में छछुंदर तंतु उगलते बने निगलते बने, तो वो स्थिति हो गई है कि अगर आप किसी एक को बनाते हैं तो दूसरा नाराज होता है, दूसरे को एक को हटाते हैं तो दूसरा नाराज होता है। जल्दी से छोटा सा रिप्लाई चाहूंगी प्रफुल्ल सर, इसलिए क्या बगावत करेंगे टीएस सिंहदेव? वैसे उनका नेचर तो नहीं है ऐसा, फिर भी बगावत करेंगे? नहीं बगावत की संभावनाएं पर तो कुछ मैं कह नहीं सकता कि वो क्या करेंगे, लेकिन हाँ उनका जो जितना मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जान पाया हूँ वो इस तरह से कोई विद्रोही अपने साथ लोगों को लेकर के पार्टी के खिलाफ चले जाए ऐसा मुझको नहीं लगता। ज्यादा से ज्यादा वो ये हो सकता है कि बहुत नाराज होंगे तो वो अपना खुद का इस्तीफा पार्टी को दे देंगे, कहेंगे साहब मैं काम नहीं कर सकता, जैसा उनका स्वभाव है। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे सही, वो जेंटलमैन कहे जाते हैं अपने अपनी तासीर के अनुसार, वो अगर बहुत नाराज हुए तो अपना खुद का इस्तीफा जरूर दे देंगे। बृहस्पति जी की कहानी के पीछे फिर क्या मायने हो सकते हैं, क्यों ये रची गई होगी या बनाई गई होगी, क्योंकि उसके बाद कोई कंप्लेन वगैरह नहीं हुई। देखिए, सरगुजा में जहां तक मैं जानता हूँ कि बृहस्पति सिंह मतलब पार्टी में अगर लोग यह समझते हैं कि वो टीएस सिंहदेव के खेमे से हैं या उन लोगों को लगता होगा कि वो भूपेश बघेल के खेमे से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत वहां के स्थानीय स्तर पर उनको बहुत गंभीरता से लिया भी नहीं जाता है। बृहस्पति सिंह इसके पहले भी बहुत कारनामे कर चुके हैं, तो इस पूरी घटना को अगर आप देखा जाए तो जनमानस में केवल एक नौटंकी की तरह देखा जा रहा है। जो सच्चाई है वो ये है कि इसको जनमानस में कि लोग टीएस सिंहदेव को भी जानते हैं, वो किसी को सुपारी दे करवाने हम इसको आगे लिए जाएं, इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रफुल्ल पारे जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, लेकिन कांग्रेस से आज कोई नहीं था क्योंकि शायद
कोई जुड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन खैर, जो मामला निकल कर सामने आया उसमें हमें प्रफुल्ल पारे जी ने भी समझाया कि टीएस सिंहदेव साहब ऐसे हैं नहीं, ऐसा उनका नेचर नहीं है कि वो कोई विद्रोह करें या कोई बगावत करें। हाँ, ये कर सकते हैं कि वो अपना इस्तीफा पकड़ा सकते हैं पार्टी को, लेकिन ऐसा ना हो कि इंतहा हो जाए इंतज़ार की। और अभी तो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि शायद उनकी तरफ से भले ही कुछ ना किया जा रहा हो, जैसे कि अभी बताया गया कि बृहस्पति सिंह जिनका नेचर ही है इस तरह की चीज़ें करना, तो आने वाले समय में क्या पार्टी में कोई बगावत देखेंगे? लग तो नहीं रहा, लेकिन क्या टीएस सिंहदेव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले समय में, कि जो ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था? क्योंकि पहले की तस्वीर जो भूपेश बघेल साहब और टीएस सिंहदेव साहब का जो समन्वय था वो फिलहाल डगमगाता हुआ नजर आ रहा है, दोनों साथ में नहीं नजर आते। खुद राहुल गांधी जी भी कह चुके हैं कि पहले आप लोग साथ साथ हुआ करते थे, आजकल आप लोग अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। तो कई सारी चीज़ें ढाई साल में बदल चुकी हैं, तो आने वाले समय में क्या आलाकमान टीएस सिंहदेव साहब पर इस मामले में गौर फरमाएगा, या फिर जैसे कि कहते हैं ना कि ऐसी ये हड्डी है जो गले में फंस गई है ना, वो टाला कमान उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। कह तो दिया ढाई साल, लेकिन अब हो नहीं पा रहा दरअसल, क्योंकि भूपेश बघेल साहब हटना नहीं चाहते और टीएस सिंहदेव साहब मानना नहीं चाहते। और यही कंपैरिजन हम अगर दोनों ही दलों में करें, बीजेपी और कांग्रेस, तो येदियुरप्पा जी देख लीजिए आप, दिल्ली से आदेश था, आलाकमान से आदेश था कि आपको सीएम पद छोड़ना है, तो उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ कह कह के बता बता के परेशान हो गए हैं, ये भी बता दिया कि आप लोगों का ढाई ढाई साल का फॉर्मूला था आलाकमान की तरफ से, जैसे कि सोर्सेज बताते हैं, लेकिन उसके बाद बावजूद भी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। तो शायद ये सब जो क्रिएट हो रहा था छत्तीसगढ़ में, ये आने वाले बगावत या फिर आने वाले संकट की आहट थी, ये तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ही जाने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए नादी टीवी। रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।